जितने लोग निंदा करने वाले हैं ये लोग कभी सुखी नहीं मिलेंगे आपको। निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। निंदा करने वाला एक तो आपको बीमार मिलेगा, मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं। निंदा करने वाला व्यक्ति जो बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं किसी की, ये बीमार मिलेगा आपको। दूसरा, निंदा करने वाले के घर में कभी भी बच्चों से उसकी बनेगी नहीं। तीसरा, जो लोग निंदा करते हैं उनके घर में हमेशा कलह मिलेगी। जो निंदा करते हैं उनके यहां बरकत नहीं मिलेगी, लक्ष्मी का वास आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। जो लोग निंदा करते हैं इनका सामाजिक ताना बाना बहुत मजबूत नहीं होता, ये कुछ ही लोगों में अपने आप को हिट रखते हैं। जो लोग निंदा रखते हैं इनके यहां शादी के कार्ड बहुत कम आते हैं, भाई इनसे संबंध लोग, भाई सीधी सी बात है, समाज है। और जो लोग निंदा करते हैं उनका जीवन नरक की तरह होता है, क्योंकि जब आप बुरा ही बोलते रहोगे, हमेशा बुरा बोलते रहोगे, तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा आवरण, तुम्हारी चीजें सब वैसी ही हो जाएंगी। और आप ये होमवर्क जो मैंने दिया आप करके देख लेना, जितने लोग निंदा करते हैं उनके घरों में आपको कभी सब लोग प्रेम से रहते हुए मिल जाए तो आप जो कहेंगे मैं तैयार हूं। इतनी बड़ी बात मैं यहां से कह रहा हूं। और ये कभी आपको स्वस्थ नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान रखिए। हालांकि शरीर का अपना धर्म है स्वस्थता अस्वस्थता, मगर ये नहीं मिलेंगे, बाकी तो सब मिल जाएंगे। कोई ना कोई पीड़ा के साथ ग्रसित जरूर होंगे। ये हम सबको समझना चाहिए। जीवन में सब करो, निंदा मत करो। अब सोचो वो लोग जो वहां रह रहे हैं, किसी भी कारण से चलो घर छूट गया, जो भी हो गया, बच्चों ने निकाल दिया, या जो भी स्थितियां रही हों, तो विचार ये करना है कि अब हमको फिर भूतकाल में जाकर अपने जीवन को जीना है, या वर्तमान में भगवान का भजन करते हुए भविष्य को सुधारना है। चार चार छह छह घंटे बच्चों की बुराइयां, पड़ोसियों की बुराइयों में निकल जाएंगे, मगर उनसे कहो आप आओ सत्संग में, टाइम कहां है सत्संग में जाने का, टाइम कहां है सत्संग में जाने का। और अब तो दोपहर ही, अब तो सर्दियां आ गई, अब तो बड़ा मामला जमने वाला है, अब तो और आनंद आएगा। जब तक धूप रहेगी तब तक हाथ में स्वेटर चलता रहेगा, इधर बुनाई चलेगी उधर टुटाई चलेगी। समझ रहे होंगे आप। बचो ऐसे लोगों से, अकेले रहो लेकिन ऐसे लोगों से बचो जिनका काम यही सब करना, गॉसिप करना है। सत्संग की चर्चा करो, नहीं करो अगर सत्संग की चर्चा तो कम से कम ये ना करो, कम से कम सफाई तो रहेगी दिमाग में, हृदय में, मन में, तो गोविंद कृपा जरूर कर देंगे। ये भी अपने आप में एक बड़ा भजन है कि आप वैसे भजन नहीं कर रहे मगर किसी की बुराई भी नहीं कर रहे, किसी का बुरा भी नहीं कर रहे, ये भी अपने आप में पूजा है। अपना कर्म करना भी पूजा। ईमानदारी से जो व्यक्ति अपनी नौकरी चाकरी कर रहा है, भले ठाकुर जी को टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन गरीब की मदद कर रहा है, सबसे प्रेम से बोल रहा है, अपना काम समय पर कर रहा है, ये भी तो पूजा है।